सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो सभी दर्शकों को मैं आज दिखाता हूँ, देखो अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि ये है स्विमिंग पूल और इसमें किस तरीके से गर्मियों में इसमें नहा के आनंद लिया जाता है। ये देखो और बच्चे किस तरीके से आनंद ले रहे हैं। और जो ये स्विमिंग पूल है तो ये किसान भाइयों हमारे जानसठ कस्बे में है, जो ये रास्ता पिमोड़े को जाता है उस रास्ते पे ये है एम्बियंस स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने। और बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल बनाया है इन्होंने। तो गर्मी में सभी इसमें आनंद ले सकते हैं नहा के। तो जो इसकी चार्ज है, जो फीस है, उसके लिए भी ज़रा मैं बात करूँगा जो इसके ओनर हैं। लेकिन आपको मैं पहले दिखाता हूँ इसमें किस किस तरह का इन्होंने मैनेजमेंट किया है। ये देखो वैष्णवी और अर्पित किस तरीके से नहा रहे हैं। बच्चों का कई दिन से मन हो रहा था, सौर्या जी लग रहा। और ये देखो आयुष, प्रताप, अरे कितनी गहराई है इसकी, इधर भी कितनी, कहाँ, अच्छा लिख रही है इधर, अच्छा। इसकी हाइट की बात करें जा तो देखो, अच्छा इसमें दर्शकों ये है कि इन्होंने हाइट इसमें लिखी हुई है, जिस तरीके से इसमें आगे चले जाएंगे उस तरीके से हाइट इसमें लिखी हुई है। इन्होंने चेतावनी लगा रखी है, चेतावनी बोर्ड 3 फुट, जिस सिचुएशन का छोटे बच्चे हैं वे इसमें नहा सकते हैं। ये देखो बच्चों का स्विमिंग पूल, वास्तव में ये चीज़ें बच्चों के लिए ही होती हैं। और देखो अब इसमें शुद्ध पानी भरा जा रहा है, तो इसमें समरसेबल का रखा है इन्होंने, और रोज़ इसका पानी निकालना होता है, रोज़ नया पानी भरना होता है। ये देखो एक तो इन्होंने छोटा बनाया है, छोटे बच्चों के लिए है ही, और फिर इसके बाद एक ही इधर बड़े बच्चों के लिए बनाया है। अच्छा इन्होंने इसमें ट्यूब वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, ट्यूब भी रखी है। ये देखो तो दर्शकों आपको ये स्विमिंग पूल कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, और मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, और जो दर्शक जो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। भाई गर्मियों का मौसम चल रहा है, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शूट करी जा अपने दर्शकों के लिए। तो कितना शानदार इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, ये यहाँ पर बाथरूम वगैरह की व्यवस्था की हुई है। तो एक बार तो किसान भाइयों हम आ पहुँचे हैं फैयाज फिजा फार्म हाउस, और ये हमारे इनके पिताजी भी हमारे मित्र हैं। तो इन्होंने भैया ने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया है, पिछले साल इसकी ओपनिंग हुई थी दर्शकों। और ये सामने ही 100 मीटर पर नेशनल हाईवे है जो ये मुजफ्फरनगर से बिजनौर जाता है, और ये हमारा जानसठ कस्बा स्टार्ट हो जाता है। एम्बियंस स्कूल बिल्कुल सामने है, और ये देखो बड़ा रोड आया इधर, पिमोड़े रास्ता जा रहा है। तो हम आ पहुँचे हैं इसमें, तो अब मैं आपको देखो पूरा जायजा लिवाऊंगा और स्विमिंग पूल की पूरी सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। जो आना चाहें उनको देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें अंदर आ पहुँचे हैं हम। अब मैं ज़रा एक बार देखो आपको दिखाता हूँ
कैंटीन की भी व्यवस्था है इसमें, ये देखो। तो दर्शकों अब मैं आपको मिलवाता हूँ जो इनके ओनर हैं, तो उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। भैया जी कैसे हो? ठीक है जी। एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम और एड्रेस बता दो थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद असद है जी। और ये एड्रेस की अगर बात करें जाए, वैसे मैंने बताया है जानसठ में एम्बियंस स्कूल के सामने, ये रास्ता पिमोड़ेगा जाता है। अच्छा, तो इसमें अपना एक बार हमारे दर्शकों को मेरे चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो कि आपसे संपर्क करके आ जाए। मेरा नंबर है 7017 340 333। अच्छा, जो बच्चे के हिसाब से चार्जेस की बात करी जा तो क्या चार्जेस है इसका? यही है 50 रुपये जो है ना बच्चे देते हैं एक घंटे के, एक घंटे में सवा घंटा ना लो, डेढ़ घंटा ना। अच्छा, लो। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैंटीन की व्यवस्था की हुई है? कैंटीन की व्यवस्था। अच्छा, किस टाइम से किस टाइम तक ये सुबह को 9 बजे से लेकर जो है ना जब तक कस्टमर आते हैं 9 बजे, मतलब जो है ना 6-7-8 बजे तक चल। अच्छा, क्या क्या सुविधा आपने रखी है? लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है? लैट्रिन बाथरूम है। अच्छा, और पंखे वगैरह सब चीज़ है मतलब। हाँ, पार्क वगैरह भी है दर्शकों देखो, और कैंटीन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इन्होंने कैंटीन की व्यवस्था की हुई है, और क्या शानदार झोपड़ी बनाई है इन्होंने। देखो एक एक पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन किया है, फैशनेबल बढ़िया। देखो क्या शानदार डिजाइन के साथ इन्होंने इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई वाह, पानी देखो दर्शकों कितना साफ पानी है। और ये इसका पानी, अगर पानी की बात करें तो डेली इसका पानी आप निकालते हो? मैं डेली खाली करता हूँ और डेली भरता हूँ। हाँ, ये शाम को वाल खोल देते हैं और सुबह फिर चालू करते हैं। इससे मतलब पानी ताज़ा रहता है? पानी ताज़ा रहता है, मैं इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे वो केमिकल जो है ना बच्चों की आंखों की रोशनी पर फर्क डालता है या फिर स्किन पर फर्क डालता है। अच्छा। मैं कोई केमिकल यूज नहीं करता। अच्छा, कोई केमिकल? डेली खाली करता हूँ, डेली भरता हूँ। डेली भरते हैं, समर सेविल लगाया हुआ। देखो भैया ने कितनी अच्छी जानकारी दी है एक, और दर्शकों ऐसा होना भी चाहिए, ये चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ में, कोई किसी प्रकार की भी समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए इन्होंने कुछ जगह केमिकल डलते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इन्होंने नया अपना समर सेविल करा रखा है देखो, और एक पानी भी पीते हैं, जरा पी के देखते हैं इसको, तो कितना अच्छा पानी चल रहा है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। दर्शकों बहुत ही अच्छा पानी लगा है, क्योंकि अच्छा समर सेविल करा रखा है इन्होंने, बिल्कुल ताज़ा पानी, पूरा स्वादिष्ट। आयुष कैसा लग रहा है? भाई वाह, अर्पित, आयुष, आज वैष्णवी, सूर्य, काकरान सभी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। ये देखो ट्यूब में पूरा आनंद ले रहे हैं। भाई वाह, ये देखो आयुष को ट्यूब में नहीं समा रहा है क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा है, और इधर देखो सूर्य को किस तरीके से। भाई वाह, वैष्णवी कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, पानी ठंडा है? ये देखो अर्पित और प्रताप दोनों नहा रहे हैं ये भी। तो दर्शकों मेरी वीडियो कैसे लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो। इसी के साथ सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।